कैथल को एक बार फिर ऑनर किलिंग के मामले ने दहला कर रख दिया। प्रेम प्रसंग में युवती के परिवार ने ऐसा विलन का रोल निभाया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। कलायत के गांव बालू में युवक अपनी प्रेमिका को भगाने के लिए उसके घर आया, जिसके बाद घर पर मौजूद युवती के परिजनों ने युवक को इतनी बेरहमी से पीटा जिसके बाद युवक लापता हो गया। लड़की के परिवार वालों के हाथ यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारने से भी परहेज नहीं किया। प्रेम प्रसंग को लेकर युवती की हत्या कर परिजनों ने शव का भी अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन चिता की आग ठंडी पड़ने से पहले ही पुलिस ने वहां पहुंचकर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। वहीं मामले के सामने आने के बाद पुलिस के होश उड़ गए और पुलिस ने की हत्या करने वाले उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि उन्होंने पहली बेटी की मौत की वजह बिजली से करंट लगना बताई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कबूल कर लिया कि बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। ये बालू गांव की घटना है जो हमें पता लग गया। अभी एक लड़का और लड़की आपस में प्रेम करते थे और लड़के की मदर से हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली थी घटना से नेक्स्ट डे कि भाई मेरा लड़का घर पे नहीं पहुंचा है। उसकी लास्ट कॉल आई थी कि भाई मैं गांव बालू में गया था, मेरी प्रेमिका सोनसो ने बुलाया था और उसने जब वहां पे मैं पहुंचा तो उसकी मदर वहां पर आ गई थी। तो मदर ने मेरी जो प्रेमिका थी उसको तो वहां पर रख लिया और मैं डर के मारे वहां से भाग गया था। और अब इस इतला पर हमने कार्रवाई शुरू की थी। तो गाँव में पहुँचे तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कोई भी क्लू नहीं दे रहा था और गांव वाले बात को छुपा रहे थे। मुझे लग रहा था कि भी ये कुछ घटना हुई है। तो हमने पहले तो 346 का FIR दर्ज की थी लड़के की मदर की स्टेटमेंट पर और उसके बाद उसी प्रीपेक्स में हमने अब खुद पुलिस ने अपनी एक FIR दर्ज की जिसमें हमने खुद पुलिस कंप्लेनेंट बनकर 302-201 में FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और देखा कि ये मामला बहुत सीरियस है। और जब उसके मृतका के माँ और पिताजी को कस्टडी में लिया और सख्ती से पूछा तो उन्होंने सारी घटना का कन्फेशन किया और उसी आधार पर हमने फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और इसमें एक समस्या ये रहती है कि भी पब्लिक विटनेस और आई विटनेस सामने नहीं आते, लेकिन फिर भी हमने इसमें टेक्निकल और फोरेंसिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसी बेस पर हमने ये इन्वेस्टिगेशन की है। और कल हमने अरेस्ट कर लिया था दोनों को और उनका वीडियोग्राफी की जा रही है और जहाँ पर दाह संस्कार किया था वहाँ से बोन वगैरह कलेक्ट की हैं जिसका DNA सैंपलिंग करा के और अक्यूज का DNA सैंपलिंग करा के इसमें मैचिंग करा के और इसको भी हम सजा दिलाने की पूरी कोशिश करें। बताया जा रहा है कि युवक और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ही अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे। पहले भी युवती और युवक आपस में मिल चुके थे। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन युवती के परिवार वाले इस बात से राजी नहीं थे। वहीं DSP कलायत सज्जन सिंह ने बताया कि शुक्रवार को रोहित की माता डिम्पल ने युवक को लापता होने का केस दर्ज करवाया था। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई पब्लिक विटनेस और कोई आई विटनेस सामने न आने के बाद भी पुलिस आरोपियों को हर हाल में सजा दिलवा कर रहेगी। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।